हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पराग बुटीक पर। दोस्तों आइए आज इस प्रकार का डिजाइन हम किस सुंदरता और बड़े ही आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आइए इस डिजाइन को बनाते हैं हम। अब हम इस डिजाइन की पहले मार्किंग कर लेते हैं। यह हमारा गला है 4 इंच चौड़ा। इस डिजाइन को हम बॉटनेक पर बनाएंगे। यह देखिए, अब क्या करेंगे हम इसी प्रकार से इसे 2 इंच दूर पर एक मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी 2 इंच दूर पर, और यहाँ हम इसे सीधी ले जाएंगे यहाँ पर। यह देखिए इस प्रकार से। अब हम इसे यहाँ पर से कटिंग कर लेंगे और हम एक कैनवास की मदद से यहाँ पर एक डिजाइन बनाएंगे जो हमारी इस प्रकार से जाएगी। यह देखिए, यहाँ आने के बाद में हमारी जो डिजाइन रहेगी वह 1 इंच दूर से मोड़ना है हमें। यह देखिए इस प्रकार से एक निशान लगा लीजिए। और यह कमर जो है ब्लाउज की, यह भी गोलाई में बनेगी इस प्रकार से। यह देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारी डोरी बनेगी। यह खुली पीठ का गला है तो हम इसे इस प्रकार से यह ड्राइंग उठा लेते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे कि इस ड्राइंग को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले जो यहाँ पर हमने जो डिजाइन का गुटे लगाए हैं उस गुटे को हम किस प्रकार से बनाते हैं, यह हमने कुछ गुटे बना लिए हैं और हमने यह 3 गुटे आपको बताने के लिए रखे हुए। हमें इस प्रकार से पानी से उंगली गीली कर लेनी है थोड़ी, ताकि यह हमारा सिल्क का कपड़ा है। यदि कॉटन का कपड़ा होता है तो इसे इस प्रकार से उंगली को गीली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब अपन सिल्क वाले कपड़े में इस गुटे को बनाएंगे तो हमें इस प्रकार से थोड़ा सा पानी लगाने ना है अपनी उंगली में और इस प्रकार से मोड़ते जाना। यह देखिए इस प्रकार से इसे मोड़िए और इसे मशीन में ले जाकर लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसे इस प्रकार से इधर से मोड़ लेंगे। यह देखिए, और यह हमारी बन गई। इसे भी इसी प्रकार से आप यहाँ पर मोड़ सकते हैं। यह देखिए इसी प्रकार से बनाइए। यह जब ज़्यादा मुड़ जाए, कड़क हो जाए, तो यहाँ पर पकड़ लीजिए और यह हमारा हिस्सा इस तरफ का रहता है, इसे सिलाई मशीन में लगा दीजिए। एक टाका लगाने के बाद में इस पूरे कपड़े को आप इस प्रकार से गोलाई घुमा दीजिए। जब ये गोलाई घूम जाएगी तो यह हमारा एक सिलाई आगे बढ़ा दीजिए, बन जाती है बड़ी आसानी से। अब हमें इस कपड़े को कटिंग करना है। जब हम इस प्रकार की डिजाइन बनाते हैं तो जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है, यदि 13 इंच है तो हम दबाव का 1 इंच छोड़ते हैं, 14 इंच और 1 इंच इसके लिए छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमने हमारे ब्लाउज की 13 इंच लंबाई है तो इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी हुई है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है 1/2 इंच यहाँ पर भी दबेगा इस प्रकार से। तो इसको हम डिजाइन बनाने के बाद में फिर मुंडे की कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम फिलहाल में इसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी कपड़े को हटा लीजिए यहाँ से और इसका गला भी काट लीजिए। अब हम इसे एक सिलाई की मदद से पलटा लेंगे और इस तरफ से पाइपिंग बना लेंगे। गले पर भी हमें पाइपिंग बनानी है और इस तरफ भी पाइपिंग बनानी है। तो इसे हटा लीजिए और अब हम इस कैनवास को ले लेते हैं और कैनवास हम इस प्रकार से रख लेंगे। और यह जो गला था हमारा, हम उसे भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे हटा देते हैं दोस्तों। यह देखिए, और यहाँ से हमें जितना हम कैनवास दबाते हैं 1/4 इंच उतना दबाकर इसे कटिंग कर लें।
ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ से डिजाइन बन जाएगी हमारी। यह जो ऊपर वाली, यह देखिए दोस्तों, यह हमने पाइपिंग तैयार करके रखी हुई है। और यह जो गले हमें दोनों पलटाने हैं इस प्रकार से, इन्हें भी हमने तैयार कर लिया है। अब इन्हें क्या करना है, हमें इसे बाहर तरफ से मोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर खुले रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ग्लो लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इस प्रकार से दूसरी तरफ भी इसे लगा देते हैं। यदि आपको गोलाई में सिलाई नहीं मोड़ती आती है और आप नए नए टेलर बन रहे हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को उपयोग में लाइए, बड़ी आसानी से आपका डिजाइन बन जाएगा। अब हम दूसरे को भी इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। अब इस पर एक सिलाई लगा लीजिए फटाक से। ये हमारे दोनों तरफ के गले तैयार हो गए, इसे एक तरफ कर लीजिए। अब यह जो हमारा कपड़ा है जो ऊपर से लगेगा, जिसमें डिजाइन लगेगी, अब हम इस पर पाइपिंग बना लेते हैं। इस पर पाइपिंग बनाने के लिए हमें एक हेम्पर कपड़े का दबाव देना है। अब हम इस प्रकार से पाइपिंग को मोड़ देंगे, यह देखिए, और इसे भी लगा लेते हैं एक सिलाई। देखिए ये हमने पाइपिंग बना ली है। अब ऊपर गले तरफ भी बना लेंगे। यह देखिए, ये हमने बनाकर कंप्लीट इसे कर लिया है। यह देखिए दोस्तों, तो अब हम इसे लगाते हैं इस पर। ये हमने जो गला ग्लो से चिपकाया था, एकदम बढ़िया चिपक गया था। यह देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से रख लीजिए आप, और ये भी। तो हम इसे यहाँ पर लगाते हैं। इस कोने को बड़े ही आराम से आप कैंची की मदद से बाहर निकाल लीजिए। इस प्रकार से कोना अवश्य बढ़िया निकलना चाहिए हमारा। यह देखिए, यह एकदम बढ़िया कोना निकल चुका है हमारा। अब हम इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं।
हमने इस प्रकार से सिलाई लगा ली। अब हमें पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग लगाने के लिए हम इस तरह से उल्टा रखेंगे कपड़ा और इस पाइपिंग की पट्टी को हम नीचे तरफ रखेंगे। ये देखिए दबाव वाला जो हिस्सा रहेगा नीचे रहेगा और इस प्रकार से हम इसे रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, और इसकी जो किनार रहती है बस किनार पर सिलाई चलाते जाइए, बारीक पाइपिंग निकल जाएगी। यह हो गई हमारी पाइपिंग पर सिलाई। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इस जगह पर एक छटका लगाना है पाइपिंग के बाहर, ताकि हमारी जब पाइपिंग घूमेगी अंदर तो बराबर निकले। इस प्रकार से फिर इसे ऐसे मोड़ लीजिए। अब इसे हम दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह दोनों हमारी बन गई है। अब इस डिजाइन को हम किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं देखिए। अब यह जो हमने बनाया था डिजाइन पहले, अब इसे हम लगाते हैं। तो हम इस तरफ से लगाएंगे पहले, इन सभी को हम कटिंग कर लेते हैं। यह दो, हम दो के गैप में एक गोल्डन लगाएंगे। यह दो, यह दो, यह देखिए दोस्तों, पहले हम लगाएंगे यह एक यहाँ पर, फिर लगाएंगे इसके दो प्रकार से, बड़े ही आसानी से लग जाते हैं। अब यह एक, यह हमारा डिजाइन लग गया है पूरा। यह देखिए दोस्तों, पहले हम इस पर एक टाफी लगा लेंगे, प्रकार से हम टाकी लगा लेंगे यहाँ पर। यह देखिए इस प्रकार से अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं और यह हमारा डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम बताते हैं कि इस पर एक मात्र एक ही लेस लगानी है हमें गोल्डन कलर की, और कोई दूसरी लेस नहीं लगानी है, ताकि हमारी जो डिजाइन रहता है इसमें फिनिशिंग आती है। तो हम इस पर एक गोल्डन कलर की लेस लगा देते हैं। तो दोस्तों यह देखिए, यह डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इस पर एक लेस भी लगा दी है। देखिए, आप यदि टेलर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें ज़्यादा मटेरियल खरीदना नहीं चाहिए। यह सूट में से बचा हुआ मटेरियल है जिसे हम इस पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कटिंग करके, और यही देखिए कितना सुंदर आएगा आपका। यह देखिए, यह हमने इस पर यह फ्लावर लगा दिया है। दोस्तों देखिए, यह डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, अति सुंदर है दोस्तों। और दोस्तों यह डिजाइन, यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।